जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल डॉक्टर ओम चो में बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। यदि आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, क्योंकि मैं जब हम निशुल्क ज्योतिष परामर्श देते हैं तो बहुत से लोगों का यही प्रश्न होता है, जिस प्रश्न के लिए आपको लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो किन राशि के जातकों को गुरु बनाना चाहिए और किसे बनाना चाहिए, ठीक है, यह टॉपिक है। गुरु किसे बनाए या किन राशियों को गुरु बनाना चाहिए और किसे बनाना चाहिए। दोस्तों देखिए, मैं खुद की बात करता हूँ, मैं खुद व्यक्तिगत जो भी टिप्स हैं, व्यक्तिगत जिन चीज़ों को फॉलो करता हूँ वही चीज़ आपसे शेयर करता हूँ, और उन चीज़ पर जो शोध होता है उसी शोध का परिणाम आपको बताता हूँ, बिल्कुल साधारण शब्दों से। आपके लिए कोई विशिष्ट भाषा का कोई प्रयोग नहीं, सामान्य भाषा में आपके बीच में रखता हूँ। उससे पहले एक निवेदन है कि कमेंट्स बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं कि लोग कहते हैं गुरु किसे बनाएं। देखिए, मैं जब से कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी व्यक्ति विशेष को गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको गुरु अगर आपको बनाना ही है तो ईश्वर को बनाएं। जिस भी इष्ट को मानते हैं आप, बाबा भोलेनाथ को मानते हैं, हनुमान जी महाराज को मानते हैं, श्री राम जी को मानते हैं, जिसे भी मानते हैं उसे गुरु बनाएं आप, क्योंकि ईश्वर सबसे बड़ा गुरु है। ईश्वर के बिना शायद इस दुनिया का कौन सच्चा गुरु होगा। मानवीय तौर पर अगर मैं आपको गुरु बनाता हूँ, मुझे अगर आप गुरु बनाते हैं, मुझे बहुत से लोग कहते हैं आप हमारे गुरु बन जाए, लेकिन मैं दोस्तों आपको पहले ही इस बात को क्लियर कर देता हूँ कि मैं किसी गुरु का गुरु बनने लायक व्यक्ति नहीं हूँ। वो इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं खुद ईश्वर का शिष्य हूँ, और मैं ईश्वर का शिष्य हूँ तो मैं भी लोगों को यही हिदायत देता हूँ कि आप गुरु अगर किसी को बनाना है तो ईश्वर को बनाएं। ईश्वर से सच्चा शिक्षक या गुरु कोई नहीं है, क्योंकि उसकी कृपा अगर हम पर होती है तो दुनिया की कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, एक अद्भुत आनंद, उत्साह, उमंग, और जैसे कि काफिला चलता हो आपके साथ, चाहे कोई पीछे हो या ना हो, ये ईश्वरी गुरु शक्ति की सबसे बड़ी देन है। तो आप सभी लोग, अगर आपके मन में ये हमेशा उठता है गुरु बनाना चाहिए, पहली बात, कोई भी राशि हो आपकी, आपके जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, चाहे वो देवी माँ को मानते हैं, बजरंग बली को मानते हैं, हनुमान जी महाराज को, राम भगवान को, उन्हें आप पूरी श्रद्धा पूर्वक गुरु मान लीजिएगा। और जैसे एक मानव को आप ट्रीटमेंट देते हैं, सम्मान देते हैं, पूरी तरह उस शिद्दत के साथ सम्मान दें दोस्तों, फिर देखिए आप कमाल, जैसे कि वास्तविक रिश्ता आप जोड़े। मैं बस यही निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको गुरु किसी को बनाना है तो मैं आप सभी को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप मुझे ना कहें, आपको गुरु बनाना है तो ईश्वर को गुरु बनाएं। मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में भी यहाँ कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन गुरु अगर किसी को बनाना है तो ईश्वर को बनाएं, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में जय श्री महाकाल लिखिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री महाकाल।